नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 2 के हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा पाठ जो है उसका शीर्षक है जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे पक्षी, कार, देश, बहन, भाई, माता जी। ठीक है, तो आइए इनके कुछ चित्र द्वारा हम अध्ययन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, दिए गए नामों की सहायता से वाक्य पूरा करो और बोलो। तो दिए गए वाक्य क्या है हमारे पास? सब्जी वाला, घर, औरत, भाई, माता जी, फल, कलम, बाजार, दुकान, आलू, खिलौना। तो बच्चों, यह एक रिक्त स्थान पैराग्राफ था, हमने इसे भरा है किनकी सहायता से? शब्दों की सहायता से। अब हम देखेंगे कौन से प्राणियों के एक ही शब्द जो हैं प्राणियों के वस्तु तथा स्थानों के नाम का बोध करा रहे हैं, वे इसमें से हमें जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर भरना है। तो जैसे एक दिन मैं डैश के साथ डैश गई, तो एक दिन मैं, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आप देख रहे हैं, और यहाँ पर चित्र है, तो कौन कहाँ किसके साथ गया? आप देखिए, एक छोटी लड़की एक औरत के साथ बाजार गई। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर ये भी था, माता जी और बाजार। तो हम क्या लिखेंगे? माता जी। एक दिन मैं माता जी के साथ बाजार गई। आप देख रहे हैं, यह बच्ची माता जी के साथ अपने बाजार गई है। बाजार हमारे डैश के पास है, बाजार हमारे घर के पास है। एक ही स्थान का नाम यहाँ पर बोध हो रहा है बच्चों, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। तो हमारे घर के पास है, तो घर क्या हुआ यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। वहाँ हमने फल खरीदे। अब फल भी एक ही होते हैं, फल को हम, चाहे वह हम सेब खा रहे हों, चाहे हम आम खा रहे हों, लेकिन हम उन्हें बोलते क्या हैं? फल बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए? जाति बता रहे हैं फलों की। तो यह फल खरीदने गई। फिर पास ही एक सब्जी वाला था। अब देखिए बच्चों, सब्जी वाले में आप, कुछ लोग कुछ एक तरह की सब्जी बेचते हैं, कुछ लोग कई तरह की सब्जी बेचते हैं, पर हम बुलाते क्या है उन्हें? सब्जी वाला। तो यह भी एक जाति बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सब्जी वाला एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है, हमने उससे आलू खरीदे। आलू खरीदे, ठीक है, तो यह भी एक जाति बता रहा है, सब्जियों का एक जाति बता रहा है, आलू। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, एक डैश नींबू बेच रही थी। तो आप यहाँ पर देखिए, कौन नींबू बेच रहा है? एक औरत। तो औरत भी एक जाति बता रहा है। औरत में देखिए, हर औरत के अलग अलग नाम होते हैं ना, लेकिन हम उन्हें बुलाते क्या हैं? अगर हमें उनका नाम नहीं पता तो हम कहते हैं ना, वह एक औरत है। तो वह एक औरत की जाति बता रहा है, तो ये औरत भी एक हो गई जातिवाचक संज्ञा। एक डैश से माता जी ने मुझे डैश दिलाई। तो आप देखिए डैश, तो बच्चों, एक दुकान से माता जी ने मुझे क्या दिलाई? कलम दिलाई। अब कलम में भी कई प्रकार की कलम आती है, लेकिन हम सिर्फ कलम, एक ही प्रकार, मतलब एक शब्द है उसको बता रहे हैं, तो हम उसे एक शब्द में क्या कह सकते हैं? कलम। हमने छोटे डैश के लिए डैश भी खरीदा। तो छोटे भाई क्या हो गया? आपके कई भाई हैं, है ना, तो आप उसे, लेकिन हम नाम से नहीं बुलाते, तो हम क्या कहते हैं कि वह मेरा भाई है। तो हम जाति बता रहे हैं भाई का, तो इस वजह से भाई क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। के लिए खिलौने खरीदे। अब खिलौने भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अब हम हर खिलौने का नाम तो बता नहीं सकते कि इस खिलौने को क्या कहते हैं, तो हम नॉर्मली उसका जो जाति है वो क्या है? खिलौना जाति है। तो हम उसे क्या बुला रहे हैं? खिलौना। तो खिलौना क्या हो गया यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। फिर बाजार जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यह हमारा अभ्यास इस पाठ का समाप्त हुआ। आइए एक बार फिर साथ में पढ़ते हैं। एक दिन मैं माता जी के साथ बाजार गई।
बाजार हमारे घर के पास है, वहाँ हमने फल खरीदे। पास ही एक सब्जी वाला था, हमने उससे आलू खरीदे। एक औरत नींबू बेच रही थी, एक दुकान से माताजी ने मुझे कलम दिलाई। हमने छोटे भाई के लिए खिलौना भी खरीदा। बाजार जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर एक एक ही मतलब एक ही चीज़ का एक ही नाम का बात किया जा रहा है, एक ही प्रकार के प्राणियों नाम वस्तु स्थानों का यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक जब किसी एक चीज़ के बारे में केवल बताते हैं तो वह कौन सी संज्ञा कहलाती है बच्चों? वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो बच्चों यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप YouTube या Facebook चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगले सेक्शन में मैं आपको इस पाठ का अभ्यास जो है शेयर करूंगी। धन्यवाद।